है जो आपकी परीक्षा के लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगर आप एक करंट अफेयर की सीरीज प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुबह आपके 7 बजे लरी बुद्रगेज के यूट्यूब चैनल पर यह सीरीज मिल जाती है। और ये सीरीज परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके बनाएगी, जहाँ पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसके बाद 10 थ्योरी, और थ्योरी के बाद इससे जुड़े हुए 10 MCQ सवाल होंगे, जो जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रतिदिन सुबह आपके YouTube चैनल पर यह सीरीज मिल जाती है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग फटाफट वीडियो में जुड़िएगा और कोशिश करिएगा इस अपने वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आज पहला टॉपिक है कि RBI। ध्यान से अगर हम लोग देखें तो शायद आपको दिख भी रहा होगा कि जो RBI है, यहाँ पे RBI ने रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 6.5% कर दिया। जी हाँ, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 2.5 से लेकर 0.25 से लेकर 6.5% कर दिया। अब यहाँ पर इस प्रश्न की हम की तरफ चलें, तो हमें यह ज्ञात होगा आप लोग के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत रेपो दर 0.25% की वृद्धि की। दास ने कहा कि MPC को 4 सदस्यों को रेपो दर संशोधन बनाम 2 सदस्यों के पक्ष में मतदान किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उनका नीतिगत रुख आवास वापस लेने पर केंद्रित है। मई 2022 के बाद यह छठी बार है जब ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई। केंद्रीय बैंक ने भी बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए अल्पकालीन उधार दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी भी की है। जी हाँ, इसी के साथ हम बढ़ते हैं और इस नए सेशन की तरफ, जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और ये सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए कुछ जो दर है उन दर को हम लोग ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो परीक्षा में सवाल आते हैं उनको भी पूरी तरह से पढ़ें, और ताकि आपके जो परीक्षा में सवाल आने वाले हैं उन सवालों तक भी हम सभी लोग पहुँचें। जी हाँ, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं। यहाँ पर है रेपो रेट, ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग तो जो रेपो रेट है हमारा वो 6.5% है। अगर हम बात करें इसके और अन्य जो टॉपिक है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो अस्थाई जमा सुविधा जिसे STF दर इसे कहा जाता है, यह है आपका 6.25% है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपके साथ, तो जो सीमांत अस्थाई सुविधा जिसे हम MSF दर 6.75% है। अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर बैंक दर है आपका वो 6.75 रिवर्स रेपो रेट, अगर हम बात रिवर्स रेपो रेट की करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो रिवर्स रेपो रेट है आपका वो 3.35% है। CRR 4.75%। मेरा सवाल है कि CRR का फुल फॉर्म क्या होगा, जिसे कैश रिजर्व रेशियो, SLR का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, SLR का फुल फॉर्म क्या होगा। रिवर्स रेपो रेट 3.35 है और बैंक दर, अच्छा बैंक दर रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है कमेंट करके बताइएगा। देखिए वैसे आपको ई लर्निंग दुर्गे से नोट्स में मिल जाएगी कि रेपो रेट 6.5%, बैंक दर 6.75, रिवर्स रेपो रेट 3.35, CRR 4.5, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं रेपो दर। RR वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक या वित्तीय संस्थानों सार्वजनिक या निजी को सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध पैसा उधार देता है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है, यहाँ से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके साथ इसी सीरीज में और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अन्य तत्वों को पढ़ें। रिलायंस ने भारी शुल्क के लिए वाहन के पहले हाइड्रोजन दहन इंजन का अनावरण किया। जी हाँ, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग के साथ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में भारत ऊर्जा सप्ताह में हरी झंडी दिखाई। हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन S2ICV के चलने वाली ट्रक का लगभग शून्य उत्सर्जित है करेंगे, पारंपरिक डीजल ट्रकों के बराबर प्रदर्शन करेंगे और परिचालन लागत में अनुमानित कटौती के साथ शोर कम करेंगे। इस प्रकार ग्रीन मोबिलिटी के भविष्य को फिर से परिभाषित करेंगे। अगला है आपका जो इम्पोर्टेंट है, काला घोड़ा कला महोत्सव। जी हाँ, अगर हम बात करें तो हमारे सामने है, सबके सामने काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई शुरू में हुआ। काला घोड़ा कला महोत्सव 23वां संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा आयोजित 9 दिवसीय उत्सव में नृत्य, संगीत, साहित्य, रंगमंचन, भोजन, सिनेमा, स्टैंड अप कॉमेडी, स्ट्रीट आर्ट, शहरी डिजाइन, वास्तुकला जैसे
14 से अधिक डोमेन में कार्यक्रम की एक विस्तृत श्रृंखला की मेजबानी की जाएगी। यह एक वार्षिक उत्सव है जो हमेशा फरवरी के पहले शनिवार से शुरू होता है और भारत के दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को बंद होता है। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन 4 से 12 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक होगा। इसे पहली बार 1999 में शुरू किया गया था। जी हाँ, आप चाहते इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। वैसे क्लास खत्म होने के बाद जिसकी PDF है ना, वो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ, फिर से बढ़ते हैं आपके सामने। महाराष्ट्र के बारे में, इसकी राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला जो आज का चौथा टॉपिक है, जी हाँ, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, तेलंगाना में भारत का पहला नया मोबिलिटी फोक्स्ड क्लस्टर। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके सामने शायद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि तेलंगाना सरकार ने देश का पहला नया मोबिलिटी केंद्रित क्लस्टर तेलंगाना मोबिलिटी वैली TMV लॉन्च किया। इसका लक्ष्य लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और राज्य में अगले 5 वर्षों में 4 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना है। TMV का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, 4-व्हीलर, एडवांस सेल केमिस्ट्री और हाइड्रोजन फ्यूल सेल Tier 1, Tier 2 कंपोनेंट निर्माता ऑटोमोबाइल्स के R&D कंपनी के सहित टिकाऊ गतिशीलता में सभी क्षेत्रों कंपनियों को सुविधा प्रदान करना है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो सरकार ने ई मोबिलिटी में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कलाम सेंटर फॉर ऑटोमोटिव एक्सीलेंस का भी स्थापना की। आइए ध्यान से देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद आपको जानना भी चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वोत्तर भारत राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने का उद्देश्य युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम की पहल की परिकल्पना पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने और सहानुभूति पैदा करने के लिए की गई। पोर्टल को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, सूचना प्रसारण, युवा मामले और खेल, गृह मामले, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास विभाग DONER और IRCTC के सहयोग से लॉन्च किया गया। युवा संगम पायलट कार्यक्रम में लगभग 1,000 युवाओं ने भाग लेने की उम्मीद है। जी हाँ, अब हम इसके और आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करके फॉलो करके रखिएगा। जी हाँ, अगर हम यहाँ पर बात करें तो युवा संगम छात्रों के कैंपस के बाहर के युवाओं को पूर्वोत्तर से अन्य राज्यों और उसके विपरीत युवाओं के एक्सप्लोजर टूर आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना को 2024 तक बढ़ाया। केंद्रीय आवास और शहरी मामले में केंद्रीय में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के तहत लगभग 123 लाख घरों को मंजूरी दी गई, जिसमें 68 लाख घरों को पिछले महीने तक पूरा कर दिया गया। केंद्र ने योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए, जिनमें से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में PMAYU को भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लगभग 1.12 करोड़ घरों का निर्माण किया जाना है। बांग्लादेश को झारखंड के पावर प्लांट से बिजली मिलेगी, आज का 7वां पॉइंट है। आइए इस पर भी हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं और देखते हैं यहाँ से कौन से ऐसे की पॉइंट हो सकती है जहाँ से परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। जी हाँ, बांग्लादेश के मंत्री नसरुल हामिद ने जानकारी दी कि बांग्लादेश के मार्च 2023 के पहले सप्ताह झारखंड के गोड्डा पावर प्लांट से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। नसरुल हामिद ने कहा कि मार्च 2023 में गोड्डा में अडानी पावर प्लांट की पहली इकाई से 750 मेगावाट बिजली आएगी। अप्रैल 2023 में गोड्डा पावर प्लांट की दूसरी यूनिट से 750 मेगावाट बिजली और आगामी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने गोड्डा में अपने संयंत्र से बिजली आयात करने के लिए अडानी समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने झारखंड के गोड्डा स्थित अपने संयंत्र से बिजली आयात करने के लिए अडानी समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नतीजन अडानी पावर कंपनी द्वारा विशेष रूप से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करने के लिए 800 मेगावाट की 2 इकाइयां बनाई जा रही हैं। इसमें भारत से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति के लिए एक समर्पित ट्रांसमिशन लाइन का भी निर्माण किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
और आगे हम बात करेंगे तो बांग्लादेश के बारे में, इसकी राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा टका है, राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद अब्दुल हमीद है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। पैगी मोहन 2023 का मातृभूमि ईयरबुक पुरस्कार जीता। जी हाँ, अगर हम बात करें तो पैगी मोहन ने 2023 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। लेखक डॉक्टर पैगी मोहन की मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। प्रवासन के परिणाम के रूप में भाषा के विकास को चित्रित करने वाली उनकी पुस्तक वंडर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स ने पुरस्कार जीता, जिसमें नगद पुरस्कार और एक मूर्ति के रूप में 2 लाख रुपए शामिल है। नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल राजक गुरनाह ने 4 दिवसीय MBIFL के 2023 के समापन समारोह में मोहन को पुरस्कार प्रदान किया। आगे चलते हैं हम इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। जी हाँ, MBIFL 2023, जिसे मलयालम में काह के नाम से जाना जाता है, में रचनात्मक क्षेत्रों में 400 से अधिक नामों में नोबेल और बुकर पुरस्कार विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के अन्य शामिल हैं। आगे हम बात करते हैं आपके साथ, ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। आइए इसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग एक बार देख लेते हैं, जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया पुरुष T20 के कप्तान एरोन फिंच ने, नए नहीं, पुरुष T20 के जो कप्तान एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। फिंच जो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया टीम के एक दूसरी कप्तान के रूप में सेवा निवृत्त हुए थे, वो T20 से भी अपनी सेवा निवृत्ति की पुष्टि की। फिंच ने ऑस्ट्रेलिया को 2021 में अपने पहले से विश्व कप T20 खिताब को निर्देशित किया। फिंच ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने अपना वनडे डेब्यू 2013 में श्रीलंका के खिलाफ किया था। उन्होंने 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। फिंच ने लगभग 29 की औसत से 146 वनडे में 34.28 की औसत से 142 की स्ट्राइक रेट से 103 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज का 10वां टॉपिक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव 22वें संस्करण का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD 14 से 26 फरवरी 2023 तक भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम देश भर के 10 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर BRMS दिल्ली, नासिक, जयपुर, राजमुंदी, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, गुवाहाटी, रांची और केवड़िया में होगा। नाटकों का प्रदर्शन 16 विभिन्न भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। भारत रंग महोत्सव के बारे में, देश भर में रंगमंचन के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 2 दशक पहले भारत रंग महोत्सव की स्थापना की गई थी। यह दुनिया भर की थिएटर कंपनियों की मेजबानी करता है और एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। इसका उद्देश्य अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय टाइप और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को मजबूत करना। यह देश भर में रंगमंचन की परंपरा को बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए मंचन तैयार करता है। जी हाँ, अब यहाँ से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे, जो आपको प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर इस लाइव सेशन में मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कोशिश करिएगा इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण में लाने के उद्देश्य त्रिमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। जी हाँ, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर होगा 20% का होता 0.25%। बी वालों के जवाब यहाँ पर सही है। अगला, किस कंपनी ने भारी शुल्क वाले ट्रक के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान अनावरण किया। अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अशोक लीलैंड। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी वालों के जवाब सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल नए प्रश्न की तरफ। अगला है, कह रहा है कि काला घोड़ा कला महोत्सव का 23वां संस्करण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ। नासिक, मुंबई, पुणे, नागपुर। ये जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा वहीं से जुड़ा हुआ सवाल है, मुंबई प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, किस राज्य सरकार ने देश में स्थिरता, गतिशीलता, विकास में तेजी लाने के लिए देश का पहला नया गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, तेलंगाना। हम बढ़ते हैं फिर से आज के नए प्रश्न नए सवाल की तरफ, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्य में युवाओं के, देश के अन्य हिस्सों में युवाओं को बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया। इसी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के लेने भी दुर्गेश सर, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी PDF आपको
क्लास के साथ साथ अन्य सभी नोटबुक भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। जी हाँ, प्रश्न नंबर 5 का जवाब तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं आज के नए सेशन नए प्रश्न की तरफ। जी हाँ, आज का प्रश्न नंबर अगर 6 की हम बात करें तो आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया। योजना किस वर्ष शुरू की गई, 2015, 2016, 2017, 2018? प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिए अगर आपने पूरा पढ़ा होगा। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, 2015। बांग्लादेश के मंत्री नसरुल हामिद ने जानकारी दी कि मार्च 2023 के पहले सप्ताह से बांग्लादेश को गोड्डा बिजली संयंत्र से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। गोड्डा बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है, त्रिपुरा, झारखंड, असम, बिहार? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा झारखंड, अर्थात सवाल का उत्तर होगा बी। हम बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स में चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता, अमर सेन, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, शशि थरूर, डॉक्टर पैगी मोहन? इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, डॉक्टर पैगी मोहन। एरोन फिन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा कर दी, वह किस देश के खिलाड़ी थे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका? तो यहाँ पर अगर प्रश्न की बात करें तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे सी। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है। अब प्रतिदिन करंट की सीरीज के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सेशन को फॉलो करके रखिएगा। जी हाँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने 14 से 26 फरवरी 2023 तक भारत रंग महोत्सव को किस संस्करण आयोजन किया गया, 20, 21, 22, 23? इस प्रश्न का उत्तर होगा 22, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 10 प्रश्नों के थ्योरी के साथ 10 प्रश्नों के एमसीक्यू यहाँ पे समाप्त हो गई। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। यहाँ पे एमसीक्यू के जवाब भी हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहां पर आप इसके दुर्गेश सर बिना स्पेस के सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड करिएगा, जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी नोट्स आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश से उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक नए क्लास, एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।